गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मुना अदर। आज मैं आपसे जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है और वो स्किन को बहुत ही निखारेगी और जिनके फेस पे एक्ने होती है उसको रिमूव करेगी और स्किन को टाइट भी करेगी। चलें तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं जो कि घर से ही लिए हैं। आप भी अपने ही किचन से इंग्रेडिएंट्स लीजिए और अपने फेस को निखारिए और अपने पिंपल्स को रिमूव कीजिए। आपकी एक्ने जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इसको वीक में 3 से 4 बार ट्राई कीजिए ताकि ये एक्ने का प्रॉब्लम आपको हो ही ना। स्किन आपकी बहुत ही नीट और क्लीन नज़र आएगी और जैसे ही एक्ने का कोई पिंपल बनना स्टार्ट होगा वो खुद ब खुद अगर आप इसको इस्तेमाल करते होंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं, मैं अब इनको सब चीज़ों को आपको बताती हूँ कि किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने लिया है ये हनी। हनी मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है और योगर्ट ली है और मैंने ये लहसुन लिया है। लहसुन को मैंने बारीक सा पेस्ट बना लिया है हल्का सा और ये हल्दी ली है, हल्दी पाउडर जो कि आपके किचन में इजीली दस्तयाब होगी और आप घर से ही इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है हनी और इसी स्पून के साथ मैं ऐड करने वाली हूँ 1 टेबल स्पून योगर्ट और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट। और जो ये हल्दी पाउडर लेंगे हम, ये थोड़ा सा लेंगे इतना। इस पेस्ट को हम मिक्स करेंगे ये मिक्स हो गया है। आप लहसुन को ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा पीस कर इसको सॉफ्ट कर लीजिएगा और मैं ये अब आपको बताती हूँ जहाँ जहाँ आपके फेस पे। ये मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। आपने ये स्मूथ सा पेस्ट लगाना है अपने हैंड पे बहुत अच्छे तरीके से एक जैसा, ताकि जैसे हम किसी को मसाज करते हैं इसी तरह अप्लाई करेंगे हम। और इसलिए मैं वैसे ही आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अगर किसी को अपनी स्किन भी नीट करनी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे स्किन बहुत ही नीट हो जाती है, उबटन की ही तरह है ये। अगर आप इसे ज़्यादा देर लगा के नहीं रख सकते तो तकरीबन आप डेली अगर इसको अप्लाई करें तो 30 मिनट तक लाजमी लगा के रखें।